टेट में बहुत सारों का ऐसा हुआ है कि उन्होंने नासिक नहीं भी डाला था तो उनको 1, 2, 3 ऑप्शन छोड़ के नासिक मिला है। तो इसके लिए आप ईमेल उन्हें कर सकते हैं कि ईमेल में लिखकर भेजना है कि आपने ये जो सेंटर दिया है ये मेरे ऑप्शन की लिस्ट में नहीं है, क्योंकि जैसा सीटेट में रोका गया था तो इसमें भी उनका काम था कि उन्होंने रोक देना। जब तक स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर रहे थे तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और रैंडमली उन्हें नासिक दे दिया। तो जब रैंडमली था तो फिर ऑप्शन क्यों लिए ये सवाल होता है, और ऑप्शन दिए थे तो वो क्यों नहीं मिला। तो एक अवेलेबल करके मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारों की सहूलत नहीं होती नासिक जाना। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि किस तरह से उसमें मेल करना है। सबसे पहले आपको जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी था जिससे आपने रजिस्टर किया था फॉर्म फिल करते वक्त, तो उससे इस ईमेल आईडी है कल आपको कॉल भी कर सकते हैं आप लैंडलाइन नंबर पर। और ये जो ईमेल आईडी msc@gmail.com इनको लगाना है और सवाल पूछना है कि, तो वहाँ पर टू में आपने ऐसे मैसेज डाल दिया और सब्जेक्ट में आप लिखेंगे, सब्जेक्ट में ऐसे लिख दीजिए कि रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग रॉन्ग वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन विच वॉज नॉट सेलेक्टेड बाय मी इन प्रेफरेंस लिस्ट। मैसेज की बॉडी में आप इस तरह से लिखिए, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, माई नेम इज़ मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम औरंगाबाद, जैसे आपका जो नाम रहेगा और आप कहाँ से है। आई हैव अप्लाइड फॉर टेट एग्जाम 2022 विथ रजिस्टर्ड आईडी, आपकी जो भी आईडी मिलेंगी वो, माई डेट ऑफ बर्थ इज, आपकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ डालिए, एंड वाइल फॉर्म फिलिंग आई हैव सेलेक्टेड 3 सेंटर्स, सेंटर प्रेफरेंसेज एज औरंगाबाद, अहमदनगर एंड बीड, बट आई हैव गॉट माई सेंटर एज पर, आई हैव नॉट गॉट माई सेंटर एज पर माई चॉइस, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रोवाइड मी सेंटर एज पर माई सेलेक्टेड प्रेफरेंसेस ओनली। इस तरह से लिखना है और यहाँ पर लिख देना है थैंक यू और आपका नाम और मोबाइल नंबर। और आप यहाँ पर यह भी डाल सकते हैं कि वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई, वेटिंग फॉर योर, तो इनका रिप्लाई क्या आता है वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा, पॉजिटिव रिप्लाई ये लिखकर थैंक यू करके ये लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका अगला क्या है और हम इसको कमेंट में रखने की कोशिश करेंगे ये कंटेंट, ताकि आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, नाम वगैरह चेंज कीजिए मगर, और आपका मोबाइल नंबर। इस तरह से आप करने पर 2-3 दिन रुक कर देखिए, भले ही आपका अब 1 तारीख को एग्ज़ाम है तो आपको क्या हर्ज है कि आप उसको 26 तक रुक कर देख ले कि क्या रिप्लाई आता है। और कल कॉल सेंटर पे बात भी आप कर सकते हैं, दिया हुआ नंबर कॉल सेंटर का जो रहेगा वो बात आपको इस पर करना है 02026123066, या फिर 02026123067, ये दोनों में से एक पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।